हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी यूनिट फिफ्थ चल रही थी, तो यूनिट फोर्थ तक आप सभी ने कवर कर लिया होगा। अब हम कुछ टॉपिक्स इसके रह गए हैं यूनिट फिफ्थ के, इनको जल्द ही कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं दो टॉपिक्स, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, मतलब दोनों टॉपिक ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा थ्योरी आपको इनके अंदर लिखनी नहीं है। तो बस आपको समझना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इसको कैसे आपको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट भी करना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, उनके भी एग्ज़ाम हैं, उनको भी स्टडी करने का मौका दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको हम बोल सकते हैं, जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर हर मंथ आता है आफ्टर एज ऑफ 12 टू 15 ईयर। तो ये चीज़ें आपको पता होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिफाइंड एज साइक्लिक इवेंट दैट टेक प्लेस इन रिदमिक फ्यूजन। मतलब कि एक साइक्लिक इवेंट है जो बेसिकली इसका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये रिपीट होता रहता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो मंथली है, तो ये मंथली रिपीट होता रहता है वुमेंस के अंदर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ ए वुमन लाइफ। जो भी रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वुमन लाइफ का, उसके दौरान ये साइकिल चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 टू 15 ईयर विच मेक द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मतलब कि जब एज आ जाती है प्यूबर्टी की, तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट हो जाता है 12 टू 15 ईयर ओल्ड्स में। तो अब इससे आइडिया ये हो रहा है कि आपको लिखना कैसे है, डेफिनेशन लिखनी है, देन कब ये स्टार्ट होगा, देन ये द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्चे। मेनार्चे का मतलब ये है कि जो वन मंथ का पीरियड आता है उसके दौरान जो भी प्रोसेस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उस दौरान जो फीमेल है उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम बोलते हैं मेनार्चे, जो एवरी मंथ उनको सहन करनी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस एट द एज ऑफ 40 टू 50 इयर्स। मतलब कि ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, स्टॉप कब हो जाएगा, एज होगी 45 टू 15 की एज में, और ये परमानेंट जब ये बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मेनोपॉज। तो परमानेंट केसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ओल्ड एज इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये कुछ बातें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी है। देन है द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर फेजेस। फोर फेज कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, 2 से 3 दिन तक ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग फेज और मेंसेस इसको हम बोलते हैं। सेकेंड है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में क्या होगा, फोलिफ्रेशन ऑफ फेज होगी, मतलब कि इस फेज में जो ओवल है वो फोलिकुलर जो ट्यूब है, फोलिकुल ट्यूब, उससे रिमूव होगा, उससे मूव करेगा। ओविलेटरी फेज, इसमें ओवम बनेगा जो बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन ल्यूटियल फेज होगी, जो सिक्रेटरी फेज होगी, लास्ट जो फेज होती है उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। बाकी डीपली स्टडी करना हो तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं दे रखे हैं, ज़्यादा डीपली भी नहीं जाना आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये सिंगल क्वेश्चन आपको पूछा जाए, दोनों को मिक्स करके पूछ लिया जाए, मतलब दो दो क्वेश्चन के जोड़े बना के आपको पूछ सकता है, तो आप इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि दो गेमेट्स, वुमेन और मेल फीमेल के जो गेमेट्स हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होगा, देन उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन रेफर टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स स्पर्म एंड ओवम टू फ्रॉम ए न्यू ऑफस्प्रिंग।
तो ये एक डेफिनेशन हो गई फर्टिलाइजेशन की, जो स्पर्म एंड ओवम है वो दोनों फ्यूज होते हैं एक दूसरे से, एंड देन आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो इस डायग्राम फ्लो चार्ट की मदद से ही आपको समझाएंगे, इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हिंदी में, ये मतलब इंग्लिश में आपको इसको लिख सकते हैं। तो ये स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, फ्रॉम मेल एंड फीमेल, तो यहाँ तक आपको पता है। देन आगे की क्या प्रोसेस होगी, जो स्पर्म है मूव करते हुए आएंगे ओवम के ऊपर, ओवम के चारों तरफ घेरा बना लेंगे, चारों तरफ से इसको कवर कर लेंगे। देन एक स्पर्म ऐसा होगा, वन स्पर्म एंटर टू एग, जो एग के अंदर एंटर हो जाएगा, देन जो भी अदर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन क्या होगा, जो इसका एग का न्यूक्लियस है वो फ्यूज होगा, दोनों एक दूसरे में फ्यूज होंगे, देन एक जायगोट बनेगा, जायगोट फॉर्म होगा, जो बेसिकली डिवाइड होगा टू सेल्स में, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। देन ये सेल डिवाइड होती जाएगी फोर सेल में, फोर से एट में, एट से 36 में, तो उसके बाद बनेगा फीटस, देन इसकी ग्रोथ आगे होती रहेगी फर्दर। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, इजीली आप इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, एंड इसको लिख सकते हैं आप। रिप्रेजेंट करना हो, ज़्यादा लॉन्ग आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।